देखना है क्या कहते हैं, फिर की लेता हूँ ठीक है, एक से देखो अभी देखो तो सही उससे पता चल गया कैमरा लग रहा है, अब नहीं रुकेगा भाई टी शर्ट पे लग रहा है ना स्लो डाउन, तो स्लो डाउन होके चलेंगे आराम से ठीक है, बाकी का मिलते हैं फिर डायरेक्ट बाइक पर। सो गाइस चलो बताता हूँ अभी, पहले पेट्रोल भरवा लूँ पहले, फिर बात करता हूँ आपसे अच्छे तरीके से ठीक है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं आज ब्लॉग करने का बट स्टिल। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका ओल्ड स्कूल टीवी में। आज मेरी आवाज़ में थोड़ा जान भी नहीं लग रही होगी, पता है यार मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी घर से जाने का, बट स्टिल एक काम आ गया, मुझे राइड पर जाना था। मैंने तुमसे वादा किया था कि मुझे राइड पर जाना है यार, कहीं ना कहीं तो जाना ही है चलो कम से कम। बट देहरादून जहाँ मैं रहता हूँ यार, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा एक काम आ गया, एक एग्ज़ाम था यार मेरा, एकदम अचानक से एकदम एग्ज़ाम आ गया, बताओ मैं क्या करूँ यार, जाना पड़ रहा है पता, लास्ट मोमेंट में। मेरा इवन ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा यार बिल्कुल भी 1%। घर से भी मतलब घर से 50-45 किलोमीटर दूर आ गया, बट मेरा 1% पता ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा यार, अंदर से वो एक्साइटमेंट, वो फीलिंग कुछ आ ही नहीं रही है। बट तुम्हारे लिए करना है तो फिर भी थोड़ा 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 जितना मेरा हो सक रहा है मैं उतना बोल रहा हूँ, और देख लेना यार लास्ट तक, अगर अच्छा लगे, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें आ रही हैं बोलने को बट मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है बस अपना गाना गाते रहूँ और सीधे रास्ते पर पहुँच जाऊँ बस के। और एक टाइम होता है जब एक्साइटमेंट होती है ना, तो एक्साइटमेंट में आदमी जल्दी भी पहुँच जाता है कभी, कैसे खुश एकदम। गाड़ी में देख रहे हो कहीं इस बच्चों के रिएक्शन, यार मुझे यहाँ से तो नहीं जाना था, आगे से जाना था सारे लोग खुश हैं, चलो बाय। तो फाइनली गाइस इस हाईवे पे आ गया हूँ यार मैं, ऑलमोस्ट मैंने अभी 100 किलोमीटर चलाई है और लगेज खुल गया था, तो मैंने सोचा कि यार लगेज को बांध लेता हूँ, और ये चेक करो बाइक कैसी लग रही है अपने, अच्छी लग रही है। ये अपने चैनल का हमने नाम लिखवाया था और यहाँ की स्टिकरिंग हटवाई थी सारी, और एक छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक करके टिल्ट करके रैप करवाया था, इतनी ब्लैक लग रही है ना, देखो पीछे से भी चेक कर लो गाइस। लो मेरा मन नहीं है, मेरा मन ब्लॉक करने का नहीं है यार बिल्कुल भी, बिकॉज ऑफ मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, हम दोनों के लिए, पर कोई बात नहीं चलो मिलते हैं फिर राइड पे, ओके बाय। अरे जाने को तो मैं दिल्ली से जा सकता हूँ, बट यार दिल्ली में इतना ट्रैफिक मिल जाता है ना, पूरा मूड ख़राब हो जाता है, फिर मेरा मन नहीं करता जाने का, तो बोरिंग होता है रास्ता थोड़ा, अकेले हाईवे। अगर एक दो साथ हो ना तो क्या है कि ऐसे बातें करते निकल जाओ, पता है गाइस लोगों के ना इतने अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं, पता है अभी मेरी चल गई है 214 किलोमीटर और लोगों के ना इतने अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं कि गाइस सीधे रास्ते पर चला के जो बोरियत आती है ना, अभी इतना रास्ता तो मैंने तुम्हें दिखाया नहीं, पता है 100-150 किलोमीटर का रास्ता तो मैंने तुम्हें दिखाया ही नहीं, इसीलिए ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ मैं, बस खाने के लिए थोड़ा रुका था और फ्रेश होने के लिए थोड़ा रुका था, क्योंकि सुबह का चला था यार मैं, और आप बज गए 10:30 बज गए देखो ठीक है। बाकी का अभी यहाँ से है ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 150 किलोमीटर और, नहीं 130 या 120 किलोमीटर और है यहाँ तक आ गए, देखते तो मेरी इंस्टा की आईडी आ रही होगी और जाके फॉलो कर लो कि अपडेट मिल जाएगी। अभी तो बहुत सारी जगह, पता है मेरा ना पूरा प्लान था जाने का, नेपाल या राजस्थान जहाँ भी था मेरा पूरा प्लान था, बट मैं क्या करूँ यार, एकदम से सडनली जो मेरा प्लान बना ना यहाँ पे आ गया, मेरा मूड इतना ख़राब हो चुका है कि वो एनर्जी नहीं आ रही है मेरे बोलने में, मेरी टी शर्ट पे लिख रहा है ना स्लो डाउन, तो स्लो डाउन होके चलेंगे आराम से ठीक है, बाकी का मिलते हैं फिर डायरेक्ट बाइक पर। सो फाइनली गाइस निकल गया यार वहाँ से, अब थोड़ी सी पावर और एनर्जी आई है बॉडी में, और जैसे ही यहाँ पे आओ इस वाली साइड पे ठंड चालू, बारिश चालू भाई, और अपने वहाँ अपने भाई इतनी गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी, बहुत ज़्यादा। और आगे ओह फेंक दिया ना कूड़ा देख बस में से, बस यही चाहे कितना भी अमीरियत आ जाए हम पर ये काम नहीं छोड़ेंगे हम लोग कभी। मुझे ऐसा क्यों लगने लग गया कि मैं थोड़ा तेज़ चलाने लग गया हूँ, क्योंकि मुझे भी फील हो रहा है भाई मैं इतनी जल्दी यहाँ पे आ गया, पता है सिर्फ एक स्टॉप लिया है मैंने, वो भी यही वाला जो अभी लास्ट स्टॉप लिया वही, और इससे पहले कोई स्टॉप नहीं लिया था मैंने। ओ कुछ रह तो नहीं गया, अब रह गया तो बहुत सारी यादें भी छूट गई हैं ऐसे तो मेरे पीछे, रह गया भाई, इतना 250 किलोमीटर लगातार खींच के आई है, लगातार 250 किलोमीटर
एक स्टॉप नहीं लिया, बस मैंने एक स्टॉप लिया था जहाँ पे मैं, ओ मेरे प्रभु भाई क्या गंदा कट मारा है इसने यार। अभी स्कूटी वाले जाते दोनों, बीच वाला थोर, इधर वाला स्पाइडरमैन और राइट वाला क्या कहते तुम्हारा आयरन मैन, तीनों जा रहे हैं देश को बचाने के लिए। चूतिया लोग यार, कैसे छोड़ के जा रहे हो भाई, तो ब्रेक मारी ना बीच टपक जाओगे। बस एक छोटी सी वीडियो लेने के लिए रुकर। गाड़ी के जमाने के तो आदमी चले गए, गाड़ी अभी तक जिंदा है। चूतड़ दर्द कर रहा है यार, 319 किलोमीटर चला ली मैंने अभी तक, फिर की लेता हूँ ठीक है। एक से देखो अभी एक आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अरे दे, अरे देखो तो सही भाई भाई। मैं बता भाई से ये बोलने वाला था कि भाई आप हैंडसम लग रहे हो यार, देखो तो सही। उसे पता चल गया कैमरा लग रहा है, आप नहीं रुकेगा भाई। अरे यार सॉरी ब्रदर सॉरी। चले एक और से, एक बंदे से और फिर की लेता हूँ। बढ़िया लग रहा है यार तू, यार बढ़िया लग रहा है यार तू, क्या कह रहा है, बढ़िया लग रहा है यार तू, हैंडसम लग रहा है कसम से। चल ठीक है। भाई सॉरी यार, देखो अगर किसी को बुरा लगे ना प्लीज सॉरी, बट मेरा ऐसे कोई इंटेंशन नहीं हो रहा। उसके चेहरे पे खुशी आ गई। ये भाई सामने वाला और मैं, रैंडम है मैं नहीं जानता, ये और मैं सहारनपुर वाले हाईवे से ना लगातार हम साथ 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 आ रहे हैं, और फिर वो R15 वाला वो ब्रदरहुड बन जाता है ना। सेम बाइक सेम बाइक। कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे, देहरादून, देहरादून में कहाँ पे, कहाँ पे। अरे भाई भी देहरादून जा रहा, मैं भी देहरादून जा रहा हूँ, एक कंपनी मिल गई मुझे और क्या, अकेले अकेले तो चल ही रहा था मैं, साथ साथ में चल रहा था ना V3 बॉयज। तो लो भाई, गर्मी धूल धुआं पॉल्यूशन गड्ढे, जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा इंडियन का है, पैदा होते ही मिलती है ये सब तो हमें चीजें। लो गाइस देहरादून में आते ही ओ कपल वांट्स टू रेस BFF कंपेनियन। ये पहले से ट्रिगर रहते हैं, मुझे देख के ट्रिगर हो जाते हैं। नागिन नागिन लहरा लहरा लहरा, वो थोड़ा और लहरा भाई प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा और लहरा, मुझे बड़े मजा आते हैं यार। एक और चलो भाई बहुत बढ़िया, मेरा टाइम पास हो जाएगा मेरे रास्ते तक कम से कम। बहन चोदो गो, सॉरी गाली के लिए। गाइस देहरादून में प्रवेश कर दिया है भाई, स्वागत कर दो हमारा फूलों से यहाँ पे। घंटा कर आ गया, ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना।